गया में भाजपा नेता संतोष कुमार गुप्ता के घर पर बम फेंक कर हमला करने की घटना का एसआईटी की टीम ने खुलासा कर लिया है। दो अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना बीते 30 मई की है। गया जिले के डोबे थाना अंतर्गत करमौनी गांव में भाजपा नेता संतोष कुमार गुप्ता के आवास पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ बमबारी की थी। इस घटना को गया एसएसपी ने गंभीरता से लिया था और इस मामले के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी हिमांशु कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच में अपराधियों की पहचान कर ली गई। पुलिस की टीम ने घटेरिया मोड़ के पास छापेमारी की और हथियार के साथ दो चिन्हित किए गए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। और इस सूचना पर जो उनके आवेदन के आधार पर धोबी थाना कांड संख्या 568 दर्ज किया गया था और इस मामले में अगले तरह अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस यह काफ़ी एक संवेदनशील मामला था जिसको लेकर के लगातार पुलिस टीम के द्वारा इसमें अनुसंधान करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही थी और सिटी एसपी के नेतृत्व में इसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिनके द्वारा इस घटना में शामिल जो भी लोग हैं उनका पहचान करके उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में जो हम लोग को वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ था और अन्य जो तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसके आधार पर दो अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी डोबी थाना क्षेत्र से की गई है जिनके नाम है आदिल खान तथा महताब खान। इनके पास से हथियार की भी बरामदगी हुई है और इनके द्वारा न सिर्फ इस घटना में बल्कि मार्च महीने में इनके द्वारा फायरिंग की घटना भी की गई थी उसमें भी अपनी संलिप्तता इन्होंने स्वीकार की है। इसमें जो अपराधकर्मी है इनके नाम है आदिल खान और महताब खान। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 6 12 बोर का कारतूस और 2 मोबाइल और घटना में उपयोग किया हुआ पल्सर मोटरसाइकिल इसकी बरामदगी की गई है। इस मामले में अभी कुछ अन्य अपराधकर्मी फरार है। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 5 को, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 5 स्कोप ऐप। के द्वारा इस घटना में शामिल जो भी लोग हैं उनका पहचान करके उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में जो हम लोग को वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ था और अन्य जो तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसके आधार पर दो अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी डोबी थाना क्षेत्र से की गई है जिनके नाम है आदिल खान तथा महताब खान।